नाथ शंकरा नमः शंकरा भोलेनाथ शंकरा करे बहे बड़े बटा पता नम सभी करने देना बस था तिन निन निन डगरे नार में रहेगी तेरी आसपा मैं तेरी महानता समझा तू क्या बोला उसने महानता क्या बोला महानता मोतियां हो जिस तरह तू बसा है शंकरा शंकरा लिरिक्स तो ज्यादा प्रॉब्लम ही हो रही है कि जीव नहीं पलट रही। गुड मॉर्निंग, ये है अगली सुबह और मौका मिला है, बागेश्वर रुके ही हैं तो भाभी और मैं अभी जा रहे हैं बागनाथ। मिट्ठू और भाभी की मम्मी भी आ रही है, बागनाथ जी के दर्शन कराएंगे। काफ़ी टाइम, मुझे तो बहुत टाइम हो गया, पता नहीं 2-3 साल पता नहीं कितने हो गए बागनाथ जी के दर्शन नहीं किए। आज मौका है तो जाके आते हैं, जाएंगे तो आपको भी लेकर चलेंगे, है ना। चलिए मैं तैयार हूँ, भाभी तैयार हो रही है। रोते रोते गाती है, गाते गाते रोती है, हंसते हंसते पता नहीं क्या क्या करती है। इतनी खुली जगह मिल रही है ना, और इतनी शैतानी कर रही है। छोड़ चल आ जाओ छोटो बेटा, आ जाओ। कैसे गंजक्का लग रही है तू। हम जा रहे हैं अब मिट्ठू और मैं मंदिर घूमने, तो बागेश्वर की तंग गलियां। भाभी इस गली का नाम क्या था? दुख बाजार से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। रही भाभी मिट्ठू पीछे, लेट्स गो। यहाँ से आएंगे ऊपर छाता नीचे हम। तो ये है सरयू जी और ये नई पुल बनी है बागेश्वर में, सरयू पुल, जो कि मैं पहली बार आ रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। ये है सरयू जी, देखिए ये दूसरी सरयू पुल, पुरानी सरयू पुल हो गई है जो, उसके बगल में एक झूला पुल है और एक नॉर्मल जहाँ पे व्हीकल्स चल सकती हैं इसमें, ऐसा कुछ है। और ये है नदी किनारा, ये है हाथ हमारा। वाह यार, और ये है शिव जी की मूर्ति यहाँ पे, लेकिन सी काफ़ी कुछ बदल गया लास्ट 2 सालों में। ये रहा भगवान जी का मंदिर। चलिए प्रभु, तो ऋषि मार्तेंड थे जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। आगे जो एक शिला दिख रही है ये देखिए, ये वाली, तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। उन्होंने जब तपस्या कर रहे थे ना, तो ये पानी रुक गया था, सरयू का पानी अब रुक नहीं रहा, रुक गया था, तो काफ़ी इश्यूज़ हो गए थे। तो उस टाइम पे शिवजी ने और गौरा मैया ने क्या किया ना, कि शिवजी ने शेर का रूप धरा, गौरा मैया ने ये गाय का रूप धरा नंदी का, और ऐसा कुछ ऐसे प्रिटेंड किया कि शेर जो है, बाघ जो है, वो गाय के पीछे भाग रहा है। तो जब वो तपस्या करते उन्होंने देखा ये चीज़, तो वो बचाना चाहते थे, तो बचाने भागे उसके पीछे और फिर सरयू जी आगे को बढ़ी, ऐसा कुछ है। इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है मेरे सुनाने में, बट ऐसा ही कुछ है।
बाकी आपको सरयू जी दिखाते हैं दोस्तों। मैं दिव्या दी की शादी में आई थी ना, वो यहाँ पे था वेन्यू। ये कितना अच्छा है ना, मतलब नदी के किनारे। नानी का हाथ पकड़ के लेके जा रही है। नानी का जूते हैं गीले हो जाएंगे कि चलो नदी के अंदर जाते हैं। भिगा दिए जूते छोटू ने। जब हम बागेश्वर में रहते थे दीदी और मैं, तो लगभग हर मंगलवार को यहाँ आते थे शाम को पूजा करने के लिए। फिर बागेश्वर छूटा, पर एक कनेक्शन जो है ना वो हमेशा से बन के रह गया। बाकी अपना घर तो यहाँ पे है ही, भाभी का मायका। सो आते जाते रहते हैं यहाँ पे। इट्स लाइक आपने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में सुना होगा मुझे कहते हुए कि बागेश्वर से एक अलग ही नाता है। बहुत कुछ दिया है यहाँ ने हमको। मिथू की मम्मी भी तो हमको बागेश्वर नहीं दिए। तो यहाँ से चलेंगे अंदर, फिर घूम के दर्शन करते ऊपर आएंगे। काफ़ी रेनोवेशन हुआ है यहाँ का। उसके बाद मैं आज पहली बार आ रही हूँ, देखते हैं कैसा होता है। लड़की घूमती जा रही है। मिट्टू मिट्टू मिट्टू, ये देखिए यहाँ पे सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे घूम घूम के पूजा कर लेते हैं लोग। ओ माता जी जय जय बोल दे, भगवान जी को जय बोल दे। ये दिन भर गाती रहती है लिटरली, इसको सिर्फ गाना गाना होता है पूरे दिन। ये है हनुमान जी का मंदिर, मिठू ऐसे कर तो बाबू, ऐसे कर उस वाले को, कर तो इसको इस वाले को, इसको कर तो ऐसा, इसे ऐसा कर, दिखा तो बेटा, ये सेटल देख ली जाएगी ना। दिखा तो। ये भैरव जी का मंदिर है जो कि अभी बन ही रहा है, काफी सुंदर है। नो 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 नो, वहां नहीं जाना। सिंकाओ मेरी गैया मोरी, क्या 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 चाहिए, क्या चाहिए छोटू को, छोटू को क्या चाहिए भाई? तो ये है बागनाथ जी का मंदिर। अभी काफी काम चल रहा है यहाँ पे। जिंसी यहाँ पे ना एक छज्जा है और ये डायरेक्ट मंदिर के अंदर जो शिवलिंग था ना वहाँ पे जाता है। यहाँ से डालते हैं पैसे और वहाँ पे जिसका चले गया तो उसकी विश पूरी होती है, ऐसा मानना होता है। तो अब हम करेंगे ये, और इस लड़की ने बहुत सता दिया भाई। जल्दी आ जाओ, चलो लेट्स ट्राई। भाभी पहले डालनी है, फिर मैं। भाभी चलो, ये चला गया। लो अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। चलो यस, चलिए हमने कर दिखाया। शिवलिंग में जहाँ पानी चढ़ाया था ना, ये यहाँ से गौमुख है, यहाँ से ये बाहर आता है प्रसाद के रूप में, है ना ये चीज़ है। बाकी एक मंदिर और है, वहाँ हम आपको लेके चलते हैं। ये है वो मंदिर, ये मंदिर है बाणेश्वर नाथ का। अब यहाँ की कहानी बताते हैं, पहले हम अपने शैतान बच्चे को पकड़ लेते हैं। ये जो मंदिर है ना,
यहाँ की वॉल को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्क्रचेज लगे हुए हैं। पता है ये स्क्रचेज कौन से हैं? ये स्क्रचेज हैं, यहाँ पे एक पत्थर होता है ये भी, और यहाँ पे अपनी एंट्री करवानी होती है दर्ज, है ना भाभी? ऐसे है ना, घर वालों का एंट्री करना होता है, तो भाभी कर रही है एंट्री सबके यहाँ पे, सो दैट बाणेश्वर जो भगवान जी हैं वो बागना जी को बता दे कि हाँ वो लोग आए थे, समथिंग लाइक दिस। मिट्टू खो गई है, पकड़ो उसको, भागो भागो भागो, ये शैतान बच्चा, नो 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 नो, कितनी बार नो नो कहलवाओगे यार तुम हमसे। ये ना अच्छे से मुझे दर्शन भी नहीं करने दिए इसने मुझे, और भागने में यहाँ पे एंट्री दर्ज हो गई है। हाँ आंटी अपने मोहन का नाम लाल रोली से लिख रही है, पिठिया से मोहन की प्रेमा, और ये भगवान जी वाले हैं, वो गैया खेलने वाली गैया नहीं है। मिट्टू मिट्टू उठ उठ उठ, चल चल चल, चलो बाय बाय भगवान जी, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। यहाँ पे भी ऐसे है कि अंदर जो शिवलिंग है यहाँ से वो बाहर आता है उनका पानी। तक भाभी अपने चप्पल पहनी है, इसको ऐसे जकड़ के रखा है मैंने, कभी तो चुप हो जा बहन, बहन मिट्टू बहन, कभी तो चुप हो जा। इंग्लिश मंत्र चल रहे हैं, कैसा लगा दर्शन करके? मजा आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को मिट्टू ने एक्सरसाइज करवा दी, बहुत दिनों से नहीं करी थी ना, और सुबह से खाया भी नहीं कुछ, तो अब वो सारी कैलोरीज जो हैं जा चुकी हैं, अब गोल 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 चक्कर आ रहे हैं। घर जाके सबसे पहले मुझे खाना चाहिए ढेर सारा, 10 रोटियां 15 कटोरी सब्जी, कितने 15। ये नया स्पॉट जो बना है यहाँ पे, फोटो सेशन तो बनता है, तो फोटो खींचेंगे अब यहाँ पे। तो पीछे हमारे बागनाथ जी है ना, और दर्शन हो चुके हैं, अब चल रहे हैं हम घर को, आपको मिलते हैं सीधे घर में, ठीक है? अपनी पुरानी वीडियो देख के हंस रही है। कौन है, कौन है? ओके तो आज का दिन भी बीत गया, चिल्लर मिल्लर हमारे हमारे साथ हैं, ये सारे के सारे देखो ये। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, आप बताइएगा जरूर कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे जरूरी बात है ये कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। भूमिका मुस्कुरा देना। कल मिलते हैं।